श्रीगुरवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद। सब लोग एक बार हाथ उठाकर बोले बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद वर्मा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत सदस्य धर्म गोस्वामी गुरु महाराज चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हृदय कृपा वंश करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग सोपात सफल कर गौर नित्यानंद प्रभु राधा गोविंद जी वैष्णव वैष्णवी वृंद भक्त वृंद आप सब स्रोत मंदिर की माताएं सबके चरणों में अधम का जथा जुगे दंडवत प्रणाम स्वीकार। अभी अभी हम गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कि नैमिषारण्य में जिस समय ब्रह्मा जी के प्रेरित से सोनकादि ऋषि हजार साल तक तपस्या करते हैं, हजार साल तक यज्ञ करते हैं और तब भी उनके मन को शांति नहीं मिला, तब भी उनको मन को पूर्ण रूप में शांति नहीं मिला। तब वहाँ पे शुद्ध गोस्वामी आते हैं और शुद्ध गोस्वामी को देख के बड़े ही भक्तित हो जाते हैं और ये शुद्ध गोस्वामी को छः प्रश्न पूछते हैं। देखो ये जो छः प्रश्न है, ये छः प्रश्न का उत्तर ही संपूर्ण भागवत है। ये छः प्रश्न का एक एक करके उत्तर दे रहे हैं और पूरा भागवत बन गया, इसलिए ये छः प्रश्न हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो ऐसा नहीं कि हम आज बता दिए और आप कल भूल गए, यहीं से ही कथा छोड़ के चले गए, एक कान में घुसा दिया और दूसरे कान में जय श्री राम जी ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं। आज हम कह रहे हैं, कल हम आपसे सुनेंगे ये छह प्रश्न क्या है, इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को सुनना। देखो सबसे पहले जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि करोड़ों रुपए का प्रश्न है हमारे लिए कितने कल्याणप्रद है, ये प्रश्न को पूछ रहे हैं कि आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। आवाज पीछे तक आ रही है, हरे कृष्णा आ रही है, बोले सबसे पहले प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, हमारे मन को शांति कैसे मिलेगी। देखो हमारे मन बड़ा चंचल है, हम चाहे कुछ भी कर ले इस जगत में हमारे सब चीज को लेकिन अंतिम में एक ही चीज दिखाई देता कि मन को हम कैसे शांत कर ले, हमें थोड़ा सुख शांति मिल जाए, लेकिन हम सुख शांति मिलता ही नहीं। कितने कोशिश करते हैं कि घर में एक समस्या आ जाता है, सोचते रहते हैं कि इसको जैसे तैसे वही निपटा दो और शांति हो जाऊंगा, जैसे ही एक समस्या गया दूसरे आ गए, फिर सोचते हैं दूसरे को निपटा देंगे फिर धीरे धीरे सुख शांति मिल जाएगा, दूसरे समस्या गया तीसरे आ गया, ऐसे खुद निमट जाते हैं फिर भी हमें शांति सुख मिलता नहीं। कभी झगड़ा कभी लड़ाई कभी किसी कारण से अशांति असंतोष होता ही रहता है। इसलिए मानो ये प्रश्न शुद्ध गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमें साधु संत के सन्यासी के पास जाके ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि संत के पास जाके दुनियादारी के प्रश्न पूछने लगे, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा जॉब दिलवा दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जीव कल्याण के लिए मन को कैसे शांति मिलेगी ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि मन को हमें कैसे शांति मिलेगी। फिर दूसरे प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सारे श्रुति शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत है, अठा दर्शन है, फिर उपनिषद है, फिर वेद है, फिर महाभारत है, बहुत सारे शास्त्र हैं और कली काल के जीव कैसे हैं, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य विपत्ता, बुद्धि भी मंद है और मति भी मंद है, समय भी नहीं है, इतना समय भी हमारे पास नहीं है एक एक सब्जेक्ट को हम पढ़ने के लिए, कोई बीए पढ़ते हैं कोई मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 25 साल से 30 साल लग जाता है एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। कोई इंजीनियर पढ़ते हैं अगर उसको पढ़ने के लिए 25 से 30 साल लगता है, कोई एक बार में नहीं सोचेगा कि मैं इंजीनियर भी पढ़ लूँ और डॉक्टर भी पढ़ लूँ सीए भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं हो सकता।
एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पूरा जीवन चला जाता है, पर कितना सारा शास्त्र है कब पढ़ेंगे? हमारे पास ऐसे भी आलसी हैं कभी काल के लोग, पढ़ने में भोजन में होशियार, भजन में बेकार है, भजन करेंगे ही नहीं। इसीलिए हे प्रभु आप कृपा करके इतने सारे शास्त्र है, सारे शास्त्रों का सार बताइए। और कली काल में भगवान को प्राप्त करने का सबसे एक तो आलसी है, एक तो बुद्धि भी नहीं है कि सब समझ जाए। इसीलिए हमें कली काल के कैसे हम भगवान के प्राप्त कर सकते हैं इसका हमें सरल उपाय बताइए। एक तीसरा प्रश्न पूछ रहे भगवान कौन है, तीसरा प्रश्न क्या है भगवान कौन है। देखो भगवान ने इस जगत पे आते हैं क्यों, क्योंकि विशेष विशेष कारण से आते हैं। कैसे ना, रावण ने आतंक मचा दिया, राम जी आ गए, कंस ने आतंक मचा दिया, कन्हैया आ गए। अब भगवान जैसे महा भगवान जैसे सर्वशक्तिमान अपने ब्रिगिटी से जिनके कारण से अभी सुन रहे थे ना जन्मांतर से श्लोक से, जिनके इच्छा से ही सृष्टि स्थिति और प्रलय हो जाता है, उनको मानने की क्या कारण है? वो उनके अवतार लेने का क्या प्रयोजन है? और भगवान कौन है ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस जगत में अवतार तो लिए, लेकिन भगवान का कितने अवतार है ये प्रश्न को पूछे। भगवान इस जगत में आए मत्स्य के रूप में आए, वेदों को उद्धार किया, कुर्म के रूप में आए, ब्राह के रूप में आए भगवान, और स्तंभ से प्रकट हो गए, नृसिंह देव प्रकट हो गए, और प्रहलाद को अपने भक्ति प्रदान किया, बोल नृसिंह भगवान की। इस प्रकार भगवान राम आए, और इस प्रकार भगवान के कितने अवतार आए, तो बता रहे हैं कि आप कृपा करके वो सारे अवतार को महिमा विस्तृत रूप में और सारे अवतार के जो लीला चरित्र मुझे कृपा करके बताइए। फिर बता रहे हैं इसके जो पांचवा प्रश्न है, आ केवल भगवान के लीला नहीं, हमें केवल कृष्ण कथा भी सुनाइए। किस प्रकार कृष्ण इस जगत में आए, कृष्ण मधुर मधुर लीला करते हैं, मैया यशोदा का किस प्रकार कृष्ण को छड़ी लेके परम ब्रह्म परात्मन भगवान होते हुए भी कृष्ण को छड़ी लेके कृष्ण कैसे मैया यशोदा से डर के भागते हैं, और किस प्रकार ब्रजवासियों को प्रेम से कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। जिस समय रात लीला हो रहा था उस समय कृष्ण कैसे 100 करोड़ रूप गोपियों के साथ रास करते हैं, और रास करते ही 100 करोड़ रूप धारण करते हैं, और कृष्ण कैसे ही द्वारका जाते हैं। अतः हमें सारे कृष्ण लीला सुनाइए जो पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम है, अर्थात जो वृंदावन के कृष्ण, द्वारिका के कृष्ण और मथुरा के कृष्ण, कृष्ण कहाँ कहाँ कैसे कैसे भक्तों के साथ लीला किया वो सारे चरित्र सुनाइए। पूछते हैं देखो प्रश्न भी कितने कल्याणकारी है, पहले मेरे प्रश्न नहीं है, इधर उधर की प्रश्न नहीं पूछ दिया, दुनियादारी का प्रश्न नहीं पूछा, हमारे कल्याण के लिए ही, हमारे उपयोग के लिए ही ये सौनकादि ऋषि ये सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। सूत गोस्वामी तो बड़े गदगद हो जाते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं, पहले मैं अपने गुरुदेव को ध्यान कर लेता हूँ, पहले मैं अपने गुरुदेव को मंगलाचरण करता हूँ, फिर उत्तर दूंगा। मंगलाचरण करते हैं, बंदौ गुरु पद पद Oh,
से हम जैसे निकाल देते ना, ऐसे नहीं सुना। और इनका नाम ही उग्र सवासु थे, जो एक बार सुनने मात्र से पूरा श्रवण कर लेते हैं और उसको पूरा मनन भी कर लेते हैं, पूरा इसको याद रख लेते हैं। इसीलिए जिस समय परीक्षित महाराज जी को कथा श्रवण करवा रहे थे ये सुखदेव गोस्वामी, उसी सभा में ये सूत गोस्वामी भी थे और उसको एक तीक्ष्ण टकटकी लगा करके कान को बड़े खड़े खड़े करके वो कथा को श्रवण कर रहे थे। तो उसी कथा को वर्णन कर रहे हैं, अपने गुरुदेव को ध्यान कर रहे हैं कि देखो इनके जो गुरु हैं ये भी कोई साधारण नहीं है। ये मातृ गर्भ में 16 साल तक रुके, कोई अगर बच्चा 9 महीने तक अंदर रह जाता है ना, कितने कष्ट होता है। जब 16 साल तक रुके, फिर इनके जो पिता व्यास देव जी ने बोलते हैं कि बेटा कृपा करके तुम मातृ गर्भ से बाहर आ जाओ, अपने माता पिता को क्यों कष्ट दे रहे हो, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पिताजी मातृ गर्भ में मैं भजन कर, अच्छा भजन हो रहा है, अच्छा भजन हो रहा है, बाहर तो माया ही माया है। तब भगवान प्रकट होके एक क्षण के लिए माया को हटाते हैं और ये सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। और प्रकट होते ही यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत सुत्यम, ये प्रकट होते ही क्या करें, वन की तरफ दौड़े जा रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी, वन की तरफ परिव्राजक होके जा रहे हैं। अभी तक उनका नाड़ी छेदन भी हुआ नहीं, वन की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही जा रहे हैं इनके पीछे पीछे इनके पिता श्री व्यासदेव जी हा पुत्र करके उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तब वहाँ पे जैसे ही हा पुत्र कर रहे थे, वहाँ के जितने भी लता वृक्ष था उनमें भी शब्द आ रहा था कि हा पुत्र कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बेटा है। तो इस प्रकार सुखदेव सूत गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसे मेरे गुरुदेव जो सर्वभूतमय विद्यमान है, सर्वस्थित विद्यमान है और इस समय मेरे हृदय में भी विद्यमान हो जाए, इस प्रकार करके अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब बताओ पहला प्रश्न क्या था, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, मन को कैसे शांति मिलेगी। देखो हम भी सब चीज करते हैं मन को शांति करने के लिए, शांति रहने के लिए करते हैं कि नहीं। कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा करो तो जो अशांत रहना चाहता है, अशांत रहना चाहते हो, कौन अशांत रहना चाहते हो, हाथ खड़े करो। सब लोग चाहते हो कि नहीं शांत रहने के लिए, सब आरती भी करते हो कि नहीं, सुख संपत्ति घर आओवे कष्ट मिटे तन का जय जगदीश हरे, सब लोग चाहते हैं शांत रहे, लेकिन परेशानी आ जाता है। इसीलिए इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं, सवे पुंसा परो धर्मम यतो भक्ति रधोक्षज अहेतुके अप्रतिहताय आत्मा प्रसीदति। देखो जिस समय बड़े ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं, जिस समय मातृ गर्भ में ये हम लोग आते हैं कितना कष्ट होता है, यद्यपि हमें विशेष करके याद नहीं रहता लेकिन बड़े कष्ट होता है। मातृ गर्भ में जब आते हैं तो तीन पिशाब लेके रक्त पस लेके उसके गर्भ में आवृत करके रहते हैं, उल्टा लटक करके रहते हैं। और देखना माताएं उसी समय चटपटा खाने की इच्छा होती है, चटपटा खाते हैं तो कितना कष्ट होता है मातृ गर्भ में। तब हम मातृ गर्भ में भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कृपा करके मुझे बाहर निकाल दो, मैं आपके भजन करूंगा। जैसे ही हम बाहर आ गए सारे भजन भजन ठाकुर जी अपने रास्ते पे, हम अपने रास्ते पे, दुनियादारी माया के संसार में लग गए हम। हम ठाकुर जी को पूरा भूल ही गए। देखो हम ठाकुर जी के अंश हैं, शास्त्र में कह गया है अमृतस्य पुत्रा, अमृतस्य पुत्रा, हाँ कि नहीं। हम ठाकुर जी के ही पुत्र हैं, ठाकुर जी के ही अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ठाकुर जी के अंश हैं। देखो जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, बाहर में हिस्ट्री में बोलता है, हिस्ट्री बताता है, डार्विन लॉ में बताता है कि बंदर धीरे पहले हमारे पूर्वज बंदर थे और बंदर से धीरे 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 हम इंसान हो गए। तो हमारे गुरु जी की गुरुदेव परम गुरुदेव कहते हैं देखो जो बोलता है वो डार्विन, उसके पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज तो भगवान के अंश हैं, हमारे जैसे ही थे। अब पता हो किसी बंदर, इतने सारे बंदर घूम रहे हैं, 10-20 साल के बाद तो इंसान हो जाना चाहिए, इंसान नहीं हो रहे क्यों,
इसीलिए हम ठाकुर जी के अंश हैं, ठाकुर जी के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र। अब देखो हम ठाकुर जी से भटक गए हैं, ठाकुर जी को भूल गए, ठीक से याद ही नहीं करते हैं, और माया में पूरा पूरा सब चीज हमें अच्छे से याद होता है, लेकिन भगवान का भक्ति वक्ति याद ही नहीं रहता है। इसीलिए देखो एक उदाहरण है, कोई एक बाप करोड़पति है, क्या है करोड़पति, बहुत सारा धन संपत्ति है, और उसको बेटा उसको कैसे भूल करके चला गया, भाग गया कहीं से घर से। जैसे ही बेटा भाग गया और बेटा को पता चला, अरे मेरे पिता तो करोड़पति है, पिता के पास रहता तो पिता के पास सारी संपत्ति बेटा का ही होता है और मुझे ही मिलता। अब वो घर में लौट करके आता है, बोलता है पिताजी मुझसे गलती हो गया, आप मुझे स्वीकार कर लो। पिता उसको क्या करेंगे, बोले बेटा मैं तो चाहता ही था सारी संपत्ति के मालिक तुझे बना दूं, तू ही भाग गया था, मैं तो यही चाहता था, उसको गोद में ले लेंगे। इसीलिए देखो यही ट्रिक को हमें यहाँ अप्लाई करना है। हम माया के संसार में भटकते भटकते माया की सेवा करने लगे हैं, अब भी बारी आ गया है ठाकुर जी के चरण में पड़ के, प्रभु मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हो, कृपा करके आप मुझे अपनाओ। ऐसे अगर करोगे तो ठाकुर कितने दयालु हैं, गुण अब गुण प्रभु देखे ही न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। गुण अब गुण नहीं देखते प्रभु, इतना दोष नहीं देखते। अगर ठाकुर जी दोष देखने लगे तो हम जैसे बद्ध जी का कौन कल्याण करेगा। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जीव अगर भगवान के शरणगति हो जाएगा तब इस जीव को परम शांति मिलेगा। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं तत्प्रसादात् परम शांति, तुम्हारा मेरे चरण में ही परम शांति है, भगवान के चरण में अगर चले जाएंगे तो हम परम शांति मिलेगा। देखो एक उदाहरण के माध्यम से समझो, एक मछुआरी था केवट, जाल लेके मछली धरने गया, मछली पकड़ने गया, तो एक सरोवर में जैसे ही जाता है तो मछली पकड़ पकड़ के सारे मछली को पकड़ पकड़ के ले आता है, लेकिन उस सरोवर में एक बड़ी मछली थी काफ़ी साल की। तो छोटे छोटे मछली बोलते हैं कि बहना हम सब लोग तो पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन तू 25 साल से है लेकिन पकड़ में क्यों नहीं आता, तुम क्यों नहीं पकड़ में आता। तो बोलता है मैं एक ट्रिक जानता हूँ। बोले क्या ट्रिक, बोले देखो जिस समय मछुआरा आता है जाल फेंकता है ना, मैं उसी समय उसके जड़ के पास चला जाता हूँ। अब पैर के पास तो जाल फेंकेगा नहीं, दूर करके जाल फेंक जाएगा, और तुम लोग किनारे में रहते हो और मछुआरा को देख के दूर चले जाते हो और जाल में फंस जाते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ दूर रहता हूँ और उसके चरण के पास आ जाता हूँ, पैर के पास आ जाता हूँ, इसीलिए मुझे वो कभी पकड़ नहीं पाया आज तक। तो देखो जो जो लोग व्यक्ति भगवान के चरण से दूर हो गए उनको ये माया रूपी जाल पकड़ लिया, और जो जो लोग भगवान के चरण के पास पहुंच गए उनको कोई माया नहीं, भगवान ने उनको अपने आश्रय प्रदान कर दिया। बोल वंदे भगवान की। अब देखो ये पहला प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि हमें भक्ति करना चाहिए, लेकिन किस प्रकार, ऐसे नहीं कि आज कर दिए कल नहीं, परसों कर दिए फिर परसों कर नहीं, इच्छा हो गया कर लिया, इच्छा हो गया नहीं, इच्छा हो गया आरती कर लिया, इच्छा हो गया तुलसी कंठी पहन लिया, जब मन करे नहीं, जब कर लिया कर लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। कहते ना अप्रतिहता, कंटिन्यूसली निरंतर, जैसे यहाँ एक तहत को ऐसे गिराओ, कहीं देखोगे गिरते गिरते एक जगह पे कोई ब्रेकिंग नहीं होगा, पूरा गिरेगा कई का बराबर। इसी प्रकार हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, 24 घंटा से 24 घंटा भगवान के भक्ति करना चाहिए। आप बोलोगे हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं भैया, ऑफिस जाते हैं, 24 घंटा से 24 घंटा कैसे भक्ति करें। तो देखो समझो इस बात को, कोई माता अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्कूल भेजते हो कि नहीं, स्कूल भेजते हो तो स्कूल भेजने से पहले उसके लिए टिफिन विफिन तैयार करके उसको स्कूल भेज देते हो। जब स्कूल भेज देते हो जितने समय बच्चे स्कूल में रहता है उतना समय क्या भूल जाते हो बच्चे को कि मेरा कोई बच्चा नहीं था भाई, जो हो गया स्कूल चला गया बच्चा, मतलब भूल गए हम, नहीं उतना हम हमारे दिमाग में रहता है कि बच्चा हमारे स्कूल में गया है और घर के काम कर रहे हैं। मानो आपके आज ट्रेन है या कल पर तो आपका ट्रेन है, टिकट कर रखा है, अभी से दिमाग में है हमारे टिकट है, सारे काम करते जा रहे हैं,
सारे काम हम करते जा रहे हैं, एक एक करके करते जा रहे हैं। अगर हम भूल जाएंगे कि हमारा ट्रेन है तो हम जा ही नहीं पाएंगे। ऐसा होता है कि हमारे टिकट कर लेते हैं, हम बैठ जाते हैं, भैया टिकट है, दो दिन के बाद कुछ काम नहीं करूँगा। सारे काम करते हैं और उसको दिमाग में रखते हैं। तो इसी प्रकार अप्रतिहता हमें भगवान के भक्ति भी करना है, और हमें भगवान की भक्ति के साथ साथ जो कर्म करेंगे वो सब सेवा हो जाएगा। मानो हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते लगाते हम भगवान के नाम उच्चारण कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाते बनाते भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए बता रहे हैं अप्रतिहता रूप में इससे भगवान को ध्यान करोगे तो मन कभी भी भटकेगा नहीं, मन शांत रहेगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। देखो पहले प्रश्न का जो उत्तर है दूसरे प्रश्न से पूरा मिलता जुलता है। दूसरे प्रश्न क्या था? कली काल में भगवान को पाने की सबसे सरल उपाय क्या है? तो इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, कली युग के बल नामा धारा, कली युग के बल बताओ कितना युग है, कितना युग है, किसको किसको पता है? किसको भी नहीं पता कितना युग है हमारा, कैसे परिस्थिति हो गया, कितना युग है ये हमें नहीं पता। चार युग है, सत्य द्वापर त्रेता और कली। चार युग में चार युग धर्म बताया गया है। कृते च ध्यायते विष्णु, त्रेतयाम जनतो मुखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनान। तो बता रहे हैं कृते च ध्यायते विष्णु, सत्ययुग में ध्यान लगवाते थे। सत्ययुग का आयु कितना था अभी गुरुदेव बता रहे थे, 10,000 साल, 1,00,000 साल तक जीते थे, 1,000,000 साल तक ध्यान लगाते थे। कलिकाल में कोई ध्यान लगा सकता है? कलिकाल में कोई ध्यान ही नहीं लगा सकता है, इतना समय ही नहीं है। देखना मेडिटेशन सेंटर खोला जाता है, ध्यान सेंटर, लेकिन वहाँ जाते हैं ध्यान लगाते हैं आंख बंद करते हैं, लेकिन किस चीज़ को ध्यान में आता है? जीवन भर जिससे लड़ाई किया, जीवन भर जिससे पैसा लूट के ले गया, जीवन भर ऑफिस में ऐसे हो गया, ऐसे नहीं कर दिया, इस पे पड़ोसी से झगड़ा, ये करना चाहिए था वो नहीं करना चाहिए था, ये सब ध्यान में आता है। जो जो चीज़ करते हैं उसी चीज़ हमारे ध्यान में आता है, आता है कि नहीं? इसीलिए देखो कली काल के जीव कभी ध्यान नहीं कर सकते, इतने चंचल है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, इतने चंचल है कली काल के जीव कभी ध्यान नहीं कर सकते। बड़े हवन तो कर सकते हैं, बड़े हवन भी नहीं कर सकते, तो सब चीज में वही मिलावट है। घी शुद्ध मिलता है, लकड़ी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है आजकल, सामग्री भी शुद्ध नहीं है। और यहाँ तक तो देखो हवन में सबसे बड़ी बात है जो ब्राह्मण जो हवन करवाएगा उनको संस्कृत ज्ञान होना चाहिए और उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, वो भी नहीं है कली काल में। कली काल में वो भी स्थिति नहीं है। और हवन कैसे करवाते थे पहले जमाने में? 1,000,000 साल तक हवन करते थे। आज 1-2 घंटा हवन करते हैं, बोलते हैं पंडित जी 100-200 रुपये ले लो और जल्दी जल्दी निपटा दो। हवन कर सकते हैं हम एक दिन भी? कोई अगर हवन सुबह से लेकर शाम तक आग के सामने बैठ सकता है? इतना सामर्थ्य ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है, इसलिए हवन भी नहीं कर सकते कली काल में। बोले दान कर सकते हैं, बोले दान भी नहीं कर सकते। तो भागवत में कथा होता है नृग महाराज जैसे महाभागवत किसी कारण से दान एक गाय का अदला बदली कर दिया, कैसे वो महाभागवत दान करते थे उनके जैसा दान कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो दान करते करते एक दिन उनको गिरगिट बनना पड़ा और बाद में द्वारिका में भगवान के चरण पड़ से पुनः उद्धार हुआ। इसलिए कलिकाल में हम दान भी नहीं करते, और कलिकाल में हम अर्चन भी नहीं कर सकते, पूजा पूजी अर्चन भी नहीं कर सकते।
आप बोलोगे हम पूजा तो करते हैं घर में, मानो आप घर में पूजा कर रहे हो, सामने से बारात जाता है, कौन कौन देखने जाते हो? सब लोग जाते हो कि नहीं? मानो घर में आरती कर रहे हो और पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है, कौन कौन देखने जाते हो? सब जाते हैं, वही क्या हो गया, चलो बाद में आरती कर लेंगे। फोन बच जाता है, एक हाथ में फोन पकड़ रहे हैं, दूसरे हाथ में आरती कर रहे हैं, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? इस प्रकार अर्जन में किसका पूजा में मन रखता है, कैसे तृतीय द्वापर युग में गोपियां सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे और किस प्रकार जल्दी उठ के भगवान को नहा धो करके भजन करते थे। लेकिन कलिकाल के दिन तो उठते ही 12 बजे, अलार्म बजते बजते सोंझ होते होते वो थक जाएगा मोबाइल, लेकिन उठेंगे नहीं। तो इसी प्रकार भजन भी, हम पूजा भी नहीं कर सकते तो कली में फिर करें तो क्या, कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं? तो बता रहे हैं केवल कलौ सत हरि कीर्तनाय, कली में केवल भगवान के नाम, भगवान के नाम ही हम एकमात्र उपाय है जो इस जगत से भगवान को धाम तक पहुँच जाएगा, भगवान को स्वयं प्राप्त करवा देगा, केवल भगवान के नाम। देखो रामायण सबने सुना है कि नहीं? रामायण सबसे सबने सुना है, तो रामायण में शूर्पणखा की नाम आती है, जानते हो शूर्पणखा, रावण की बहन है। ये शूर्पणखा ने जब दंडकारण्य में भ्रमण कर रहा था, राम जी को देख लिया, अब राम जी को डायरेक्ट जाके क्या बोला कि मैं आपको पति रूप में वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन राम जी ने उनको मना कर दिया, नाक कान काट करके भेज दिया। लेकिन रामायण में और एक देवी का नाम आते हैं जिनका नाम है सबरी, जिनका नाम है सबरी, उनको मतंग ऋषि ने बोल दिया तुम राम नाम के मंत्र लो और यहीं पे बैठ के भजन करो, और भजन के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से सबरी को कहीं ढूंढने जाने नहीं पड़ा, राम जी स्वयं ढूंढते ढूंढते वहां पे आ गए, स्वयं भगवान ढूंढते ढूंढते वहां पे आ गए और सबरी को दर्शन दिए। तो देखो शिक्षा क्या मिलता है, अगर हम डायरेक्ट अगर भगवान को पास जाने की कोशिश करेंगे, जैसे शूर्पणखा ने किया था, शूर्पणखा ने तो भगवान के नाम का आश्रय लिया नहीं, डायरेक्ट भगवान के पास गया। ऐसे अगर हम डायरेक्ट भगवान के पास जाके भजन करेंगे तो भगवान हमें शूर्पणखा ही बोल देंगे, नाक कान काट करके भेज देंगे। लेकिन हम भगवान के नाम को जप करेंगे प्रीति पूर्वक, तो भगवान ढूंढते ढूंढते एक दिन हमारे पास आएंगे और हमें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। इसलिए कली काल में केवल भगवान के नाम जप करना कितना सरल उपाय बता रहे हैं। न देशो नियम अस्मिन, न कालो नियम तथा न उच्चिष्टाद मुखे अस्मिन हरि नामानुकीर्तनम। काल देश पात्र का कोई भी नियम नहीं है, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में कब भी जब इच्छा हो तब भगवान के नाम बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान के नाम को हम जप करेंगे। तो देखो कोई अगर रात में लेट नाइट उठ गया, अब उस समय वो हवन कर सकता है, ध्यान कर सकता है? बोले नहीं, भगवान के नाम को जप कर सकता है। इतने सहज और सुलभ साधन भगवान ने दे दिया, जीवांत पथवर्ती नाम, एक तो सुलभ सरल में मिल गया और दूसरे क्या बता रहे हैं कि हमारी जो जीवा है ये हमारे पथ में है, किसी को चाहो तो जोरदार गाली कर दो, किसी को चाहो तो मधुर मधुर बात से प्रेम प्रेम भरी बात बोल दो, मीठी मीठी बात करके उसको अपना लो, इस जीवा को जो बोलोगे वो वही कर लेगा। इसीलिए इस जीवा को भगवान के नाम में प्रवृत्त कराओ। इसीलिए देखो कीर्तन है ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। भूता नाम हरि से बड़ा हरि का नाम।
श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। सब ताली बजाएगा गौर श्रीमंदे। आज आज एकादशी तिथि है और भागवत कथा में एकादशी आना मतलब है चार चांद लग गई। कितना लग गई? चार चांद लग गई। क्योंकि भागवत ने ये जो व्यास समझने की भागवत वर्णना किया, हम लोग जैसे कोई सोमवार व्रत करते हैं, कोई सोम मंगलवार, कोई बृहस्पति, अलग अलग व्रत रखते हैं ना सबके सब। ये सारे व्रत के बारे में किसने बताया? व्यास देव जी। लेकिन ये सब व्रत के बारे में बता करके उसको शांति नहीं मिली। लेकिन शांति मिलने का जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ रचना किया, इसलिए ये भागवत में एकादशी कथा की भागवत में आती है, जिसमें अम्बरीश महाराज रखते हैं, जिसको मैया जसोदा और नंद बाबा रखते थे। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे एकादशी तो विधवा को करनी चाहिए, सधवा को थोड़ी करनी चाहिए। अब भागवत पढ़कर देखो, क्या मैया जसोदा विधवा थी? ना अम्बरीश महाराज का पत्नी विधवा थी? सबसे जो बड़ी एकादशी बताओ तो सबसे बड़ी कौन सा एकादशी है? निर्जला, पांडवा निर्जला, जिसको पंच पांडव ये द्रौपदी को साथ में रखते थे। क्या द्रौपदी विधवा थी? अब पुराण पढ़ करके देखो, ये पूर्व जन्म में रुक्मिणी और जो सतभामा ने एकादशी व्रत रखी थी, इसलिए दूसरी जीवन में कृष्ण स्वयं उनकी पति बन कर गया। केवल ये एकादशी का फल में भगवान उनके पति बने, इसे पुराण में बताया अष्टा वर्षा दीकपुर से आशी बत्सर, 8 साल से लेकर के 80 साल तक ये एकादशी व्रत जरूर करनी चाहिए। और एकादशी का दिन अन्न में गोहत्या, नरहत्या, ब्रह्महत्या, भ्रूण हत्या और पितृमाती हत्या, जितने पाप एकादशी का दिन अन्न में रहता है, जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न भोजन करते ही सारे पाप से तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करते हैं तभी उनको किसी तरह से कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। कितने बड़ी पाप है, इसलिए एकादशी व्रत को हमें निष्ठा पूर्वक, कोई व्रत आप नहीं रखते हो, सोम मंगल भूत बृहस्पति कोई व्रत नहीं रखते हो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी व्रत अगर नहीं रखते हो ना, पाप लगेगा, क्योंकि एकादशी का दिन अर्थ में ये सारे पाप रहते हैं। जैसे जैसे दूसरे दूसरे जो व्रत है, जैसे सोमवार मंगलवार के अलग अलग सेवा देने के लिए, लेकिन एकादशी व्रत किसके लिए? आपके लिए। भगवान कृष्ण राम और नारायण का व्रत ही एकादशी व्रत है। हम बताओ जगत में तो 33 करोड़ देवता, हम कितने को मनाए? देखना, एक को मनाओ दूसरे मुंह खुला कर बैठ जाएगा, तीसरे को बनाओ चौथा मुंह खुला कर बैठ जाएगा, फिर हम किसने को मनवा तो बताओ। लेकिन अगर एक बाक्य तिहाई को मना दिया ना, इतना जा पर कृपा हरि की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसको पर मैं बाक्य तिहाई की कृपा हो गई, उसको पर मैं सबकी कृपा अपने आप हो जाती है। इसलिए एकादशी की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा में कल बता रहा था ना, अलग अलग एकादशी का अलग अलग नाम है। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से संसार से मुक्ति मिलती है। एक एकादशी का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी। अगर किसी घर में लक्ष्मी की कमी है, वो एकादशी करो तो घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। एक एकादशी का नाम अर्णदा, किसकी घर में अन्न शस्त्र की कमी हो, एकादशी करो घर में अन्न शस्त्र की कमी नहीं रहेगी। एक एकादशी का नाम विजया, अगर वो एकादशी कोई करेगा ना, आप कहीं भी फेल नहीं होगी, कभी भी फेल नहीं होगी, जो काम में हाथ दोगे वो विजय प्राप्त होगा। एक एकादशी का नाम सफला, अगर वो एकादशी करो तो हर समय आप सफल जीवन जियोगे। नंद जसोदा की पहले कृष्ण नहीं थे, आप पुराण पढ़ करके देखो, पहले नंद बाबा की जसोदा की घर में पुत्र नहीं थे, उनने सारे 12 व्रत कर चुके थे, लेकिन जब पुत्र का एकादशी आए, बोले हमने तो सारे व्रत करके देख लिया, लेकिन चलो हम पुत्र का एकादशी करते हैं। जब पुत्र का एकादशी किए ना, स्वयं कृष्ण ही घर में बेटे बन कर गया, ठाकुर जी भी घर में बेटे बन कर गया। अब पुराण पढ़ करके देखो,
इसलिए एकादशी व्रत करके जो आप मांगोगे आपको सो फल मिलेगा। और एक एकादशी का नाम है पाप भोजनी। संसार में ये दुख कष्ट क्यों आता है? ये पूर्व जन्म का पाप का फल है। आप देख लेना, कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ सालों सालों से, किसी पंडित को बुलाओ, इनकी सदगति कैसे होगा, पूछो उसको क्या बताएगा? वो बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके फल दे सकते हो, कोई बार व्रत का नाम वो नहीं बताएगा। देखो, मैंने विदेश से प्रचार करने जाता हूँ, मैं यूरोप गया था प्रचार के लिए। एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, शरीर केवल हड्डी हड्डी रह गया, प्राण जाए नहीं, गलत अटक गया था, पड़े हुए इतने पैसा विदेश में तो कितने पैसा खर्चे हो रहा था। जब मैं यूरोप गया, कुछ भक्त लोग थे, बोले भैया भारत से कोई संता है उनको बुलाओ। तो उन्होंने मेरे को बुला कर हॉस्पिटल लेकर गए। बोले बाबा, उनका पूरा परिवार था, बोले बाबा जी शरीर नहीं छूट रहा है, बड़े कष्ट पा रहे हैं, एकदम बेहोश होकर 2 साल से पड़े हुए, इनकी मुक्ति कैसे होगी? मैंने कहा एक काम करो, आप सब एकादशी व्रत करके फाल दो। बोले बाबा 10 दिन बाकी है, एक एक दिन बड़ी कठिनाई से बीत रहा है और इतने पानी जैसे पैसा खर्चा हो रहा है, बाबा बोलो जल्दी कैसे मुक्ति होगी? मैंने एक बोला, सबका हाथ में पानी और फूल दिया, बोले संकल्प करो पूरा परिवार मिल करके एकादशी व्रत करेंगे, इसका फल देंगे, संकल्प करो। मैंने संकल्प करवाया, मैं जिनके घर में था, जब हॉस्पिटल से मैं वापस आया जिनके घर में था, उसी समय फोन आया, बोले बाबा पिताजी के साथ व्रत हो गए, पिताजी को व्रत हो गया। मैंने ये अपना आंखों से देखा, एक नहीं नोएडा में भी ये चीज को देखा। मैंने जहाँ जहाँ बहुत सारी जगह पर मैंने गया है, एकादशी की इतने महिमा, एकादशी जैसे पृथ्वी का पुराण में बताया, पृथ्वी का जितने व्रत है तराजू लेकर के एक तरफ में रख दो, एकादशी का एक पीड़िका फल दूसरे तरफ पे रख लो तो वो भारी पड़ता है। इतने महिमा एकादशी की, कोई भी व्रत मत करो, कोई जरूरत नहीं, अब एकादशी व्रत जरूर करो। ये 15 दिन में एक बार एक एकादशी आती है, आप देखना घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, देखना 2-3 दिन तक पूरा व्रत चलता है, पूरा एकादशी व्रत 2-3 दिन तक चलता है, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो है। इसलिए जो पति पत्नी थे, सवेरे उठते ही लड़ाई झगड़ा हो गया तो पत्नी बोली सवेरे उठते ही लड़ाई झगड़ा तुमने शुरू कर दिया, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। पत्नी ने कहा मैं खाऊंगा तभी तो बनाऊंगी, वो दोनों तो, लेकिन उनको पता नहीं था वो एकादशी व्रत था, उस दिन अनजान में इनके निर्जला व्रत हो गया। जानते हो क्या बने? अगले जीवन में वही व्यक्ति रूपांगद महाराज अगर बने, उसकी पत्नी रानी बनकर राजा में जन्म हुई, और वो राजा इतने एकादशी में निष्ठा थी उनकी, इतनी निष्ठा थी, उन्होंने देश में अनाउंसमेंट किया, मेरे देश में जो रहेगा उसको एकादशी व्रत करना पड़ेगा, जो व्यक्ति एकादशी नहीं करेगा मेरे देश में उसको मैं राज्य से निकाल दूंगा, नहीं तो उसको मैं फांसी में झुला दूंगा। इतने कठोर उन्होंने, इतने कठोर नियम था, और लास्ट में उनको लेने के लिए वैकुंठ से साक्षात नारायण का रथ आया उनको लेने के लिए, उसने सात शरीर में वैकुंठ विजय किया। इतने महिमा ये एकादशी व्रत की, बड़ी महिमा एकादशी व्रत की, हम सोच नहीं सकते हो। हाँ देखो ध्यान से सुनो, कोई लोग कुछ लिखे पड़े है, यहाँ पर प्रश्न है, आप बोले कि संत लोग पता नहीं शास्त्र में सब व्रत व्रत क्यों बात बता दिया, एकादशी एकादशी करने से क्या होता है? देखो ध्यान से सुनो, हमारी शास्त्र में जो बात बताया ना, ये सबके सब साइंटिफिकल रिजीन है, ये मकसद जो मन में जो भावना है, बोले एकादशी व्रत करो। देखो ये भाग, ये एकादशी में क्या साइंस, अच्छे तरह से समझो, थोड़ी सी जो लिखे पड़ेगी और दूसरों को भी समझा सकते हो। ये शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को आप कंटिन्यू चलाओ देखना वो चलेगा नहीं। जैसे कोई, जैसे मशीन ये चल रही है, अगर 24 घंटा हर समय चलते रहेगा ज्यादा दिन नहीं जाएगी, घूम जाएगी। इसलिए ये शरीर भी हमारी एक मशीन है। इसलिए जैसे बच्चे लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं, पहले तो एक संडे छुट्टी होता था, अभी सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी हो रही है। बोले क्यों? उनको 7 दिन तक पढ़ाओ ना और बढ़िया पढ़ेगा, बोले पागल हो जाएगा। जैसे बच्चे स्कूल जाते 7 पीरियड है,
एक पीरियड कंफ्यूज होता है। बोले क्यों? बोले ये माइंड एक मशीन है। अगर एक पीरियड एक कल्चर में बच्चे अगर खेल कूद लेते ना, ये माइंड फ्री हो जाता है, फिर दोबारा क्या चीज करते हैं। इसलिए ये जो एकादशी व्रत है, यदि ये शरीर एक मशीन है, ध्यान देकर सुना, हमारे जितने भक्त लोग हैं उन लोगों की कथा नहीं सुन रहे, घूमते रहते हो, इसलिए कोई चीज भी याद नहीं रहता, अच्छे तरह सुना तो प्रचार कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये शरीर एक मशीन है, ये मशीन को अगर कंटिन्यू चलाओगे ज्यादा दिन नहीं जाएगी। इसलिए आप बड़े बड़े योगा जो करते हैं उसको देख कर देखो, बस 3 में 16 घंटा की फास्टिंग का बात होता है, क्योंकि अंदर में जितने टॉक्सिन है ना, और जो 16 घंटा फास्टिंग करते हो सारी टॉक्सिन निकलती है, ये शरीर सुस्त होता है। इसलिए यहाँ पर बताए जे भैया 15 दिन में कम से कम शरीर को थोड़ा रेस्ट तो दो। अगर बकरी जैसे दिन भर मुंह चलाओगे तो भैया ये शरीर तो 2 दिन बाद डैमेज हो जाएगा। इसलिए क्या बोले, 15 दिन में एक बार एक एकादशी व्रत करो, एक एकादशी व्रत करो। लेकिन आप प्रश्न कर सकते हो, फिर हम एकादशी का दिन क्यों व्रत रखे और किसी दूसरे दिन तक तो व्रत रख सकते हैं? ये चीज को समझो, एकादशी का दिन क्यों उपवास रहे, अच्छे तरह समझो। ये समुद्र में एक हाई टाइड होता है, सुनते हो हाई टाइड जानते हो, वो होता है ज्वार भाटा। ये पानी बढ़ती है और पानी घटती है, आप देखना ये पानी कब घटती कब बढ़ती है। कहती जो चंद्रमा ये पृथ्वी को आकर्षण करता है, ये पृथ्वी चंद्रमा को, दोनों दोनों को आकर्षण करते हैं। लेकिन पृथ्वी तो इतना बड़ी, इतने बड़े को तो आकर्षण कर नहीं सकता, इसलिए चंद्रमा का जो प्रभाव है वो पानी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि तरलता है। जो समुद्र किनारा में जिनकी घर हमारे घर था, ये एकादशी जितने ये चंद्रमा बढ़ते रहेगा पानी उतना ज्यादा उबलते रहते हैं, और उतने बड़ी बड़ी लहरियां उसमें आती है, बड़ी बड़ी लहरियां। पूर्णिमा का दिन तो इतने बड़ी बड़ी लहरियां आती, मछुआर को कहते जाना नहीं, अंदर में नहीं जाना, अंदर में मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि चंद्रमा इतना बढ़ेगा। उसी तरह हमारे शरीर में, हमारे शरीर में 5 चीज से बनी हुई है, कितना चीज से आप बताओ, क्या क्या शरीर में, कौन बोलेगा, कौन कौन बोलेगा, बोलो जोर से, शरीर में 5 चीज शरीर से बनी हुई, क्या क्या है बोलो जोर से बोलो, मिट्टी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 चीज से बनी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा शरीर में क्या है, पानी है। कितना परसेंट से, 75% शरीर में पानी है। इसलिए पानी होने का नाते ये चंद्रमा का जो प्रकोप, चंद्रमा का प्रभाव ये शरीर के ऊपर पड़ता है। इसलिए आप लोग ध्यान लगा करके देखना, जिनकी कमर में दर्द है, जिनकी घुटने में दर्द है, देखना एकादशी का दिन थोड़ा ज्यादा होगा, द्वादश में ज्यादा, पूर्णिमा को इतना होगा सो नहीं सकते हो। आप देखना किसी शमशान घाट में जाओ, अब लक्ष्य करके देखना कितने ज्यादा लोग मरते समय संख्या कब है, ये एकादशी से पूर्णिमा तक। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, लक्ष्य करके देखना कितना रोगी कब आते हैं, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक देखने ज्यादा रोगी आते हुए देखो। खून खराब को देखना कब से कब ज्यादा होता है, ये एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक होता है। अब ध्यान लगाकर चीज को देखना, क्यों ये चंद्रमा का जो प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर में, और शरीर में जो गुस्सा, क्रोध, जो चिड़चिड़ा पड़े हैं, ये सब शरीर में, ये सारे गंदी चीज चिड़चिड़ा पड़ना आती है। इसलिए शास्त्र में बताए एकादशी का दिन अगर हम अन्न भोजन नहीं करते, जैसे अन्न जैसे रोटी है, चावल है, ये 5 जैसे होता है, अगर इसको कोई खाएगा ना, आप देखना रोटी खाओ, चावल खाओ, थोड़ी देरी बाद में आपको प्यास लगेगी। लेकिन अगर फल खाओगे प्यास लगेगी और लगेगी नहीं, इसलिए जो अन्न खाने के लिए इसलिए मना किया, इसमें प्यास लगती, जितना शरीर में पानी जाएगा चंद्रमा का प्रभाव प्रकोप उतना बढ़ेगा, शरीर में इतनी बीमारी होगी। अब बीमारी होगा तो क्या करना हुआ, पर बीमारी होगा तो मेडिसिन खाओगे, देखो क्या ना, मेड ईट सीन, अंग्रेजी समझ रहे कि नहीं, मेड ईट सीन, जो पाप को बढ़ाता है, टेरामाइसिन, क्रोसिन, देखो सब सीन सीन पाप, जो पाप नाम दिया गया है,
ये सब क्यों होता है? इसमें पाप से होता है, इसमें बड़े साइंटिफिकल इसमें रीजन है। ये मत समझो ऋषि मुनियों ने ऐसे ही एकादश व्रत कर दिया, नहीं, हमारे ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, छोटे मोटे अभी का जो साइंटिस्ट नहीं। आप लोग अगर स्कूल में पढ़े लिखे हो देखना, एक साइंटिस्ट आकर के एक फिलोसफी को बताता है, दूसरे साइंटिस्ट आकर सबका कर ले जाता है। इसलिए बच्चों का पुस्तक बदलते क्यों, एक ने एक बताया दूसरे दूसरे बता दिया। आप बताओ रामायण का कभी तो कोई श्लोक बदला है? गीता की कोई श्लोक बदला है? भागवत और पुराण की कोई श्लोक अभी तक बदला है क्या? बदली है नहीं, क्योंकि उन लोगों ने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने रिसर्च करके जो बताए ना एकदम सही बात बताई, उनके दिव्य ज्ञान को बना बताए। इसलिए क्या करना है, एकादशी व्रत जरूर, एकादशी व्रत रखो। एकादशी व्रत भगवान की व्रत है। एक एक नाथ एक संत थे, दो मिनट सुन लो, एक नाथ एक संत थे। वो एकादशी पहले जो करते थे एकदम निर्जला करते थे, उसमें जैसे अभी हम लोग फल खा लेते हैं, जैसे जैसे आलू की सब्जी बना देते हैं, पकौड़ा बना देते हैं खाने के लिए, तो बहुत सी एकादशी, लेकिन पहले निर्जला रखते थे। एक दिन स्वयं ठाकुर जी उनके व्रत की परीक्षा लेने के लिए स्वयं विठल नाथ ठाकुर जी स्वयं नारायण आगे आकर के इनके घर में, तो पूरा निर्जला रखते थे पति पत्नी। बोले मैं तीन दिन से भूखा हूँ, आज मेरे कुछ भोजन दे दो। बोले भैया एकादशी का दिन हम किसको भोजन नहीं देते, क्योंकि उस दिन अन्न खाना जितना पाप है अन्न देना भी उतना ही पाप है। बोले आज तक हम अन्न दे नहीं सकते हैं। बोले नहीं, आज दो नहीं तो तीन दिन से भूखा नहीं तो आपके घर के सामने प्राण त्याग दे दूंगा। इतने में अड़ोसी पड़ोसी आकर के बोले भैया तीन दिन से भूखा दे दो ना थोड़ा अन्न। बोले आज एकादशी व्रत में नहीं दे सकता हूँ अन्न। इतने में करते करते स्वयं ठाकुर जी थे बास वहीं पर धड़ाम करके गिरे, धड़ाम करके गिरने पर श्वास बंद, तो शरीर छोड़ दिया। जितने अड़ोसी पड़ोसी आकर के एक नाथ की इतनी निंदा करने लगे, बोले तुम्हारी घर में अतिथि देव आए, अतिथि देव भव, तुमने भोजन नहीं कराया, देखो ये व्यक्ति मरा, तू बड़ा पापी हो, तुमने आज भोजन नहीं कराया। बोले भैया हम तो बड़े पापी, ये क्या करता हूँ, आज ये शरीर को मैं त्याग दे दूंगा, इनको साथ में चिता जला, मेरे लिए इसने मरा, मैं भी चिता में अपना आहुति दे दूंगा। चिता जलाया, तब उनको गोद में लेकर के बैठे। जब उन्हें आग लगाने जा रहे थे ना, वो कौन थे, वो ठाकुर जी थे। जब आग लगाने जा रहे थे स्वयं ठाकुर जी, भगवान स्वयं वहां प्रकट हो गए। बोले एक नाथ, मैं तुम्हारी एकादशी व्रत की निष्ठा देखने के लिए आया था, तुम्हारी एकादशी व्रत में कितने निष्ठा है, ठीक है। इसलिए आज जिन लोगों ने एकादशी व्रत किया धन्य है, आप लोग ताली बजा भी बजा के एकादशी व्रत किए, और जो नहीं रखे हैं आप लोग अगली बार जरूर एकादशी व्रत रखो। खाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आज था एक भक्त को घर में गए थे, आज किसको घर में गए थे, क्या फ्रूट ड्रिंक बनाए थे, बफना का खीर बनाए थे, आलू की दही देकर सब्जी बनाए थे, फल बनाए थे, ए बढ़िया बढ़िया प्रसाद किया थे। बल्कि हमारे मंदिर में ना बाबा लोग देखते भैया एकादशी का बात क्यों, रोज वही रोटी रोटी सब्जी खाते है, एकादशी का दिन बढ़िया प्रसाद बन जाए, इसलिए कोई चिंता नहीं। लेकिन केवल अन्न मत खाया करो, ठीक है ना, केवल अन्न मत खाया करो, और बहुत खाने के लिए बहुत सारी चीज है, ठीक है। मैं सोच रहा था आज प्रभु बोले कि बहुत समय हो गया आज है, इसलिए आज कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इसलिए इस बार कल मैंने भक्तों को बोला था 10-10 भक्तों को लेकर के आना, लगता है आप लोगों ने लेकर के आए हो, इसलिए आज इतने भक्त सारे आए हैं। इसलिए कल भी कोशिश करना, अभी बहुत सारे खाली जागा पड़ा हुआ है, कल भी भक्तों को लेकर के आना, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे, एक बढ़िया नाचने वाले हैं, हाँ सबके सब एक बार खड़े। हाँ कल जो एकादश का व्रत कितना बजे खुलेगा, 8:10। हाँ देखो एक अनाउंसमेंट सुनो, जो एकादशी व्रत रखे हो इसका नियम है दूसरे दिन टाइम से व्रत खोलनी चाहिए। कल जो टाइम है ना थोड़ी सी अटपटा सा है, 8:10 को बाद में, इसलिए 8:10 के बाद में और 10 बजने से पहले जैसे थोड़ा अन्न, जैसे रोटी हो अन्न हो, थोड़ा मुँह में डाल देने पर
आपकी एकादशी व्रत खुल जाएगी, ठीक है। और कुछ नियम है व्रत खोलने से पहले, अगर कोई ब्राह्मण साधु संतों को तुम देख करके व्रत खोलते थे उसकी खास विशेष बात है, उसका महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। अगर को तुम दक्षिणा देना चाहिए, अगर देना तो कल करना, जब आओगे भक्तों को देकर जाना, ठीक है, सब खड़े हो जाते। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय हो, ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, मेरा मेरा कहने वाले वो पागल बन के जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेनारी का, बताया भैया, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल पढ़ाई लिखाई का, कोई पागल कुर्सी का, कोई पागल गर्दी का, लेकिन भैया ये सब झूठे पागल है। सच्चा पागल कौन है? सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल बाके बिहारी का, आवाज ले जाइए आप लोगों की। सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल बाके बिहारी का, बहुत जीरा रे मोटे मोटे तेरे सिंपल है, एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पे, बस चल रही हो। जिनको नाचना नहीं आता उनको नाचना बता रहा हूँ। ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।